हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और शाम के बज चुके हैं 8:30 और क्लिनिक से निकल चुका हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीरीज चल रही है डेंटल की, तो आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो दांतों में पीलापन होता है, ठीक है, एक तरह से स्टेनिंग होती है, कैलकुलस होता है या प्लाक डिपोजिशन होती है, तो उसका एक तरह से घरेलू नुस्खा क्या होता है जिससे कि आप दांत के जो पीलापन है वो हटा सकें। तो फटाफट से एक डायरी और एक पेन लेके बैठ जाएं ताकि आपको याद रहे कुछ जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि दांतों का पीलापन हटाने के लिए जो कि कारीगर है, सबसे पहले बेकिंग सोडा सबके घर में होता है, बेकिंग सोडा, उसका आपको क्या करना है, एक चम्मच बेकिंग सोडा एक कटोरी लें, उसमें डाल लें एक चम्मच बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ा सा आपको आधा जो चम्मच है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें आपको मिक्स करना है अच्छे से, उसका एक तरह से पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको उसको अपने दांतों पे पूरा अच्छे से लगाना है, उंगली से या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट जो ब्रश है उससे, ठीक है, ब्रश से आपको अच्छी तरह उसकी एक तरह से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, पूरा रगड़ना नहीं है, ये नहीं है कि पूरा आपका जिंजाई वाई छोल बैठे, ठीक है ना, कि डॉक्टर साहब ने तो बताया था पूरा रगड़ना है कि आराम से रगड़ना है, इतना तेज नहीं रगड़ना, एक तरह से मसाज करनी है दांतों की, ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, एक तरह से ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है जो कि आपकी स्टेन्स को ख़त्म करता है, जो भी आपका पीलापन है उसको कम करता है, ठीक है, ये आपको करना है, ये हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, और काफ़ी कारीगर चीज़ है, आप करें और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट चीज़ तो ये थी। तो जो सेकंड चीज़ है वो है, सबके घरों में होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, अगर किसी के घर में नहीं भी है तो ले लें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जिसको बोलते हैं, तो वो भी आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी मम्मी आपको, अन्य टो कर दी रहेगी मम्मी, हमारे साथ गांव गए थे हम तो वहां से थोड़ा सा काम था तो हो गई बंद, ठीक है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा हाइड्रोजन परऑक्साइड लें, उसमें आपको थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करना है और उसको आप अपने एक तरह से मसाज आपको करनी है, वैसे ही सेम पेस्ट बना के थोड़ी सी आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आपको मसूड़ों का भी इन्फेक्शन है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, स्टेनिंग तो ख़त्म होगी होगी, साथ में एक तरह से मसूड़ों का कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या कोई एक तरह से पस या एब्सेस बनने के स्टार्टिंग स्टेज में है तो वो चीज़ ख़त्म होने का पूरा चांस रहता है, तो आप उसका भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी यूज़ करें। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आप ले रहे हैं वो 2-3% हाइड्रोजन परऑक्साइड होना चाहिए, 2-3% ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, यही सेफ एक तरह से मेजर्स हैं उसके, इससे ज़्यादा आप ना लें क्योंकि वो नुकसान आपके दांतों को पहुंचा सकता है। तो हााइड्रोजन परऑक्साइड का मैंने आपको बता दिया, 2-3% ही लें, ठीक है, अगर कोई इरिटेशन होती है तो फटाफट अपने डेंटिस्ट के पास या फिर कुछ भी आपको म्यूकोसा में इरिटेशन होती है तो फटाफट से पहुँचे अपने डॉक्टर के पास, ये चीज़ करें। बाकी जो 3-4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, 2 पॉइंट तो ये हो गए जो स्ट्रेनिंग कैलकुलस को दूर करने के लिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें, ठीक है, उससे आपको काफ़ी हद तक स्टेनिंग या कैलकुलस या पीलापन जो भी है वो कम होगा, और गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट इस चीज़ का सेवन ना करें, अगर सेवन कर रहे हैं तो छोड़ें, एकदम नहीं छूटेगा, तो उसको आप धीरे धीरे कम करें, जैसे कि आप दिन में अगर 8-10 बार स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा पान तंबाकू खा रहे हैं तो आप उसको 5 बार करें, 5 बार के बाद उसको आप करें 4 बार, फिर 3 बार, 2 बार, फिर एक दिन वो छूट ही जाएगा, तो ऐसे आपको छोड़ना है, एकदम आपसे नहीं छूटेगा, आई नो वेरी वेल, ठीक है।
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखें। गुटखा पान तंबाकू देखो आप खा रहे हो, स्टेनिंग तो पक्का होगी, ये नहीं है कि आप अपना ये नुस्खे भी कर रहे हो जो मैंने आपको बताया और गुटखा पान तंबाकू भी खा रहे हो और कह रहे हो असर नहीं हो रहा। देखो भाई असर होएगा जब आप जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ोगे, तभी आपका ये एक तरह से असर होगा, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी श्री श्याम डेंटल क्लिनिक हमारा है ससोली रोड, ठीक है, 9729437758 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे भी है, आप कोई भी आपको डेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है ठीक है आप पूछ सकते हैं, हर टाइम आपकी सेवा में हम हाजिर हैं और सुबह 10 से लेके शाम को 9 बजे तक 8-9 बजे तक आपको मैं मिलूँगा क्लिनिक पे, आप आ सकते हैं और अपना डेंटल चेकअप करा सकते हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।